हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखेंगे, वो आपका 15 से 20 तक के, मतलब 15 तारीख से लेकर आपका 15 मार्च से लेकर आपका 20 मार्च तक के हम करंट अफेयर्स देखेंगे, वो भी आपका छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लायक हो, और साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आप 6 से 7 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर्स क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स से पूछता है, चाहे आप इंडिया का ले लो चाहे आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम ले लो। तो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इंडिया लेवल भी पढ़ाता हूँ, तो सुबह पढ़ाता हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है ये आपको कब स्टार्ट की गई थी इसको। तो क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो इसको IMP करके इसको रख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है 20 जुलाई 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसको याद रखिए डेट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके SI में क्वेश्चन को पूछा भी गया था। तो 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। इसी दिन से जो आप गोबर जो खरीदी है 2 रुपये किलो में खरीदी जा रही है तब से, और इसके बाद अब सरकार जो है आपके जो जो गाय के मूत्र को भी ले रही है आपके 4 रुपये लीटर में। तो 4 रुपये लीटर में भी मूत्र को खरीदी जा रही है, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री ने पत्रकार सम्मान निधि में 5,000 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह किया है, तो इसको इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 10,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जो पत्रकार जो सम्मान दिया जाता है पत्रकार के, मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में ये आपके जुड़े हुए जो इस सम्मान है पत्रकार के सम्मान जो निधि है 5,000 से बढ़ाकर कितना किया है, इसको प्रतिमाह 10,000 रुपये किया है। आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए इसको दिया जाता है, तो इसको याद रखिए। तो पत्रकारिता में जो आपका एक बच्चा बोरवेल में फंसा था, तो इसमें भी बहुत सारे पत्रकार को यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया है, उनको पैसे भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको याद रखिए। तो 5,000 से बढ़ाकर कितना गया है, 10,000 रुपये किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में शहीदों के परिवारों को अतिरिक्त राहत के रूप में कृषि भूमि क्रय किए जाने के लिए कितने रुपये राशि का यहाँ पे प्रावधान किया है, इसके लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। तो छत्तीसगढ़ में जो शहीदों के परिवार है, जो यहाँ पे कुछ नक्सली हमला चाहे कुछ हो जाता है, इसमें जो जो शहीद के जो फैमिली मेंबर होते हैं, तो ये सरकार के द्वारा जो शहीद के जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता के रूप में राहत के रूप में कृषि भूमि क्रय किए जाने के लिए उनको, मतलब कृषि कार्य करने के लिए यहाँ पे इन लोग को कितना जो राशि है प्रावधान 20 लाख रुपये प्रावधान किया गया है, आपके शहीद के जो फैमिली मेम्बर को इसको दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में 5 लाख या अधिक के जो सक्रिय इनामी नक्सली को आत्मसमर्पण पर कितने लाख रुपए राशि का प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए 10 लाख का प्रावधान किया गया है। इसका कहने का मतलब है जो छत्तीसगढ़ जो सरकार है हमारे, ये आपके जो 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 आपके जो इनामी जो नक्सली होते हैं जिन पर इतना इनाम रखा है उसको पकड़े जाने पर, ऐसा करके अगर वो जो नक्सली होते हैं नक्सलाइट जो होते हैं इन लोग अगर खुद से आके आत्मसमर्पण करते हैं, मतलब यहाँ पे पुलिस विभाग को आके अपना जो आत्मसमर्पण करते हैं अपने को, तो आत्मसमर्पण करने पे जो जो आपका जो 10 लाख रुपये का प्रावधान किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो कोई भी नक्सली जो आतंकवादी है अपने आप को समर्पण करता है पुलिस को, तो ये आपका 10 लाख का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका 5 लाख से पहले था, लेकिन इसको बढ़ा के आपको 10 लाख जस्ट डबल कर दिए है। आत्मसमर्पण करेंगे जो इनामी जो नक्सली रहते हैं इनके ऊपर इसको किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
किस राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगनामा जो शिक्षा जो कार्यक्रम के तहत पुनः वर्ष 2022 के किए गए कार्य के लिए इस काच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है, आपको छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है कौन से कार्य के लिए? तो अंगनामा शिक्षा जो छत्तीसगढ़ द्वारा इसको संचालित किया था इस कार्यक्रम को, तो खास करके आपके एजुकेशन सेक्टर बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था इस कार्यक्रम को। तो इसी कार्यक्रम के जो तहत ये पुनः वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए ये आपके 2022 के डाटा के लिए दिया गया, तो इसको याद रखिए ना कि 2023 के लिए। तो इस काच जो अवार्ड 2022 का जो प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के मामले में, तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछे इस काट अवार्ड 2022 कौन से सेक्टर मिला है, तो ये आपके एजुकेशन सेक्टर छत्तीसगढ़ में अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम के तहत मिला है, तो इसको याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 26वीं अखिल भारतीय जो वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो लगभग 164 मेडल जीते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके 26वीं क्रम के जो अखिल भारतीय जो वन खेलकूद प्रतियोगिता में जो हुआ है, तो लगभग बहुत सारे यहाँ पे राज्य इस खेल में सम्मिलित है, तो इसी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ने लगभग कुल 164 मेडल इसमें जीते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत इस योजना के तहत यहाँ पे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत यहाँ विशेष रूप से लगभग कितने प्रकार के वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो इसमें यहाँ पे प्रोत्साहन जो राशि है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंदर विशेष रूप से लगभग जो 5 प्रकार के वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जाएगा, तो आपके कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जो किसान के जो आय है इसको बढ़ावा देने के लिए जो मुख्यमंत्री जो वृक्ष जो संपदा योजना है इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों को आय बढ़ाने के लिए इसको लाया गया। इसके अंतर्गत विशेष रूप से लगभग 5 प्रकार के वृक्ष जो प्रजातियों की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए, आपके जो वृक्ष जो प्रजाति है महंगे प्रजाति है जिसमें आपका साल सागौन और जैसे बहुत बहुत महंगे जो वृक्ष अगर इसकी खेती करते हैं लगाते हैं इसको देख रेख करते हैं तो आपके किसानों को आय के लिए इसको दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे कब से प्रारंभ होगा, तो आपके 1 अप्रैल 2023 को डेट को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवार जो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जो ग्रामीण परिवार हैं तो इन ग्रामीण परिवारों को जो सामाजिक आर्थिक सर्वे ये आपके गांव-गांव में ग्रामीण इलाकों में जा जा के सर्वे किया जाएगा, इनकी जो सामाजिक स्तर कैसी है, क्या क्या कमी है स्वास्थ्य में, क्या क्या जो हर सेक्टर में आपका ये आर्थिक सर्वे किया जाएगा। ये तो कब किया जाएगा, तो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया जाएगा, ऐसी दिन रोजगार जो भत्ता इसको दिया जाएगा, तो इसको याद रखिए। तो 1 अप्रैल 2023 से ये आपके पूरे पूरा गांव-गांव में ग्रामीण परिवार में ये आपके सामाजिक आर्थिक सर्वे किया जाए और इनके जो सचिव हैं मुख्यमंत्री के जी के इनको आदेश दे दिया है, तो 20 तारीख तक डाटा आपको कंप्लीट करके दे देना है, आदेश भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग लेने में छत्तीसगढ़ कौन से जिला सबसे प्रथम स्थान पे है, तो आपका रायपुर जिला प्रथम स्थान में, इसको याद रखिएगा। तो आपके इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग लेने में छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला प्रथम स्थान है ट्रेनिंग लेने के मामले में। इसकी जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो ड्राइविंग ट्रैफिक जो रिसर्च सेंटर इससे ट्रेनिंग लेने में यहाँ पर ड्राइविंग सिखाने के मामले में जो रायपुर जिला प्रथम स्थान है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला किसान स्कूल किस स्थान में इसको संचालित किया जा रहा है, तो आपके बहराडी आपका जांजगीर चांपा तहसील में आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र पहला किसान स्कूल बहराडी में जो कि इसको संचालित किया है, तो बहराडी आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत बहराडी आता है, तो इसको याद रखिए। अगर बहराडी तो बहराडी जांजगीर चांपा लिखा है, जांजगीर चांपा आपको आंसर लेना है, जहाँ पे इसको जो मजदूर है किसान लोग के लिए मतलब इनको साक्षर बनाने के लिए इसको उसको संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे
छत्तीसगढ़ में पहली बार गवर्नमेंट इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है, तो इसका जो निर्माण है आपके नया रायपुर में किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, आपके छत्तीसगढ़ की पहली गवर्नमेंट इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल है जिसका निर्माण नया रायपुर में किया जा रहा है, मतलब एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए इसको नया रायपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को प्रत्येक शनिवार को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया है? ये जो नियम है आपका छत्तीसगढ़ ने लिया है, तो इसको याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो हमारे जो छत्तीसगढ़ जो सरकार है यहाँ पे स्कूली बच्चों को, यहाँ पे स्कूली जो बच्चों हैं यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को बैकलेस डे भी घोषित किया है शनिवार को, तो इसको याद रखिए, बैकलेस डे घोषित किया है शनिवार को, और यहाँ पे ट्रैफिक नियमों को पाठ कर पढ़ाने का जो फैसला लिया है हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिया है, तो इसको याद रखिए, अब से बच्चों के यहाँ पे ट्रैफिक नियमों को बारे में पढ़ाना जरूरी है। सही भी है एक तरफ से, रोड में कैसे रोड में चलना है बच्चों को ये आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है, तो छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किन दो जिलों में लिथियम के भंडार मिले की आधिकारिक पुष्टि की गई है? तो इसकी जो पुष्टि यहाँ पे कोरबा हो गया और आपके सुकमा हो गया, तो इसको याद रखें, तो कोरबा और सुकमा में हाल ही में छत्तीसगढ़ के दोनों जिलों में यहाँ पे लिथियम के भंडार मिलने की आधिकारिक पुष्टि की गई, मतलब जानकारी से पता चला है कि यहाँ पे लिथियम के भंडार मिलने की यहाँ पे सहमति जताई है कोरबा में, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कोरबा में कुछ दिन पहले मैं करंट अफेयर मिलेट कैफ़े का दूसरा यहाँ पे खोला गया है मिलेट कैफ़े, दूसरा पहला आपका रायगढ़ में है, दूसरा आपका मिलेट कैफ़े कोरबा में हो गया, मतलब दो हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो लगभग 10 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की यहाँ पे मंजूरी दी है, तो इसको याद रखिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस छत्तीसगढ़ में 10 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की यहाँ पे मंजूरी दी है, तो इस डाटा को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश का पहला MRI जाँच सुविधा केंद्र किस जिला अस्पताल में इसका शुभारम्भ किया गया है? तो आपके कांकेर में इसका शुभारम्भ किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके जो MRI जो है आपके बॉडी जो शरीर के पार्ट्स वगैरह इसको इसमें MRI चेक करते हैं समझने के लिए। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आपके प्रदेश के जो पहला MRI जांच जो सुविधा केंद्र है आपके कौन से अस्पताल में शुभारंभ किया है? तो आपके कांकेर में MRI की सुविधा के लिए स्टार्ट किया गया है। लगभग इसका MRI आपके सभी हॉस्पिटल में होना चाहिए, कहीं भी मरीज पहुँच जाते हैं कभी भी तो बहुत ज़रूरी है MRI, जिससे आपको जो बीमारी है आपके स्पष्ट रूप से MRI से पता चलता है, बॉडी चेकअप के लिए MRI उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का जो वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ है 21 मार्च 2023 को स्टार्ट किया गया है। लगभग इसमें 5 जो मुख्यमंत्री जो वृक्ष जो संपदा योजना तहत यहाँ पे किसानों के आय बढ़ाने के लिए 5 प्रकार के इसमें वृक्ष दिया जाएगा, सबसे महंगा है तो इसको आय किसान के आय बढ़ाने के लिए इसका शुभारंभ किया है। इस डेट को याद रखिएगा, इसका जो शुभारंभ डेट है 21 मार्च 2023 को स्टार्ट किया गया, तो इस डेट को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो लगभग 34% की कमी यहाँ पे देखी गई है। यहाँ पे पिछले 4 वर्षों में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या लगभग 34% की कमी आई है, तो ये आपके राजस्व न्यायालय में लंबित के कारण है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कितने प्रजाति की वृक्षों में यहाँ पे 300,000 एकड़ रकबे में रोपण यहाँ पे होगा? तो लगभग 12 सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 12 प्रजाति के वृक्षों का 300,000 एकड़ रकबे में यहाँ पे रोपण किया जाएगा, मतलब यहाँ पे पौधा लगाया जाएगा इतने एकड़ में लगभग 300,000 में। तो यहाँ पे 30,000 है, 300,000 बोल दी था, तो 30,000 यहाँ पे
एकड़ में 30,000 मतलब एकड़ में जो लगभग 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्षों के रकबे यहाँ पे रोपण जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 प्रकार के वृक्षों का लगभग 30 एकड़ में यहाँ पे पौधा लगाया जाएगा, जिससे किसानों का आया जा जो आय है इनकम है इसको इसके हिसाब से बढ़ाने के लिए इसको उद्देश्य इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पे 7 मार्च को UGC ने नेक ग्रेडिंग के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसमें महाविद्यालय के नेक ग्रेडिंग में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है आपका पहला स्थान है, पहला रैंक है कि आपके UGC ने नेक ग्रेडिंग के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है कि महाविद्यालय के नेक ग्रेडिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है, तो इसको याद रखिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लगभग 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा थी, जिसे अब कितने जिलों में भी और शामिल किया गया है। तो 11 जिलों में जो छत्तीसगढ़ में 11 जिलों में डायल नंबर जो 112 की जो सुविधा थी, अब इसको बढ़ाकर लगभग 17 जिलों में इसको स्टार्ट किया कर दिए। 112 जो कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें आपके इसमें जो भी सहायता लेना है इसमें आप ले सकते हैं। 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, तो ये आपके पहले 11 जिलों में इसको संचालित किया गया था, अब इसको बढ़ा के अब 17 यहाँ पे जिलों में इसको शामिल कर लिया गया है। तो इसको याद रखिए पहले 11 था लेकिन अब इसको 17 कर दिया गया, तो इसी डाटा को याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो हम फिर नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, बाकी जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।